बरेली में सामूहिक धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने हिंदू नाम से ही सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। एक्चुअली वो मुस्लिम हैं, हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या, लेकिन उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये के हिंदू दे के हिंदू नाम से आधार बनवा लिया, 2-3 हज़ार रुपये दिया हिंदू नाम से राशन कार्ड बनवा लिया, 2-3 हज़ार रुपये दिया हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया, 2-3 हज़ार रुपये दिया हो हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, और फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लिया हिंदू नाम से। हैं वो मुस्लिम, हैं वो घुसपैठिए, और अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं वापस में, सबको दिखाने के लिए कि हम तो हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो पहले मुस्लिम ही थे, और ये बात मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूँ। आने वाले टाइम में पूरे देश में ये होगा, आने वाले टाइम में पूरे देश में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, हर जगह ये आपको सूचना मिलेगी कि लोग सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो घुसपैठिए हैं, वो मुस्लिम ही हैं, बस उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अपना हिंदू नाम उपयोग किया। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, UPA 1 UPA 2, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब तक ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना जो डॉक्यूमेंट बनवाते थे वो मुस्लिम नाम से, अपने असली नाम से बनवाते थे। पहले भी वो घूस दे के आधार बनवा लेते थे, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते थे, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते थे, लेकिन कांग्रेस के समय में जब अपना वो कागज बनवा रहे थे तब उन्होंने मुस्लिम नाम से बनवाया, तो इसलिए उनको कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई, और बाद में कुछ और कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार आई, जैसे UP में 2017 में बीजेपी की सरकार आई, बाकी और राज्यों में आई, तो जहां जहां बीजेपी की सरकार आई है वहां घुसपैठियों ने बड़े चालाकी के साथ मुस्लिम नाम से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, उन्होंने खुश करने के लिए हिंदू नाम से अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने जहां जहां बीजेपी का शासन था, और खासतौर पर 2014 में मोदी जी के आने के बाद, बड़ी चालाकी से उन्होंने पैसा दिया और हिंदू नाम से आधार बनवा लिया, फिर 2-3 हज़ार रुपये दिया हिंदू नाम से उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया, फिर घुसपैठियों ने 2-3 हज़ार रुपये दिया हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, हिंदू नाम से उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, हिंदू नाम से उन्होंने बैंक में खाता खोल लिया, हिंदू नाम से उन्होंने बाकायदा वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। अब वो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, गरीबी दिखा के राज्य सरकार की योजनाओं का सारा फायदा उठा रहे हैं। तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम नाम से बनवाए हैं अपना डॉक्यूमेंट कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के राज्य में, वो तो माइनॉरिटी कमीशन का फायदा उठा रहे हैं सारा। माइनॉरिटी कमीशन का जितनी योजनाएं हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जितनी योजनाएं हैं, सेंटर के माइनॉरिटी की जितनी योजनाएं हैं, इस राज्यों की जितनी माइनॉरिटी की योजनाएं, वो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या माइनॉरिटी का फायदा उठा रहे हैं। और ये जो हिंदू नाम से बनवाए थे अब वो इस्लाम कबूल करके फिर माइनॉरिटी बन जाना चाहते हैं और माइनॉरिटी के नाम से योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 1946 का फॉरेनर एक्ट महाघटिया है, सड़ा हुआ है। अगर ये कानून नहीं बदला गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। 2017 में मैंने PIL फाइल करके कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। समाधान, कठोर कानून, घुसपैठियों और उनकी मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, घुसपैठियों और उनकी मददगारों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तभी घुसपैठ रुकेगी और तभी ये घुसपैठिए भागेंगे भी। जब तक घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम फर्जी राशन कार्ड बनाने, फर्जी आधार बनाने, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, फर्जी वोटर आईडी बनाने, फर्जी बैंक में खाता खुलवाने, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, तब तक ये घुसपैठिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये दे के सारा डॉक्यूमेंट बनवाते रहेंगे, और हमारे वाले तो गद्दार ही हैं, उनको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता है, आंख बंद करके वो सारे डॉक्यूमेंट बना दे रहे हैं। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन पुलिस इस पे NSA नहीं लगा रही है, क्योंकि NSA में घुसपैठ को शामिल नहीं किया गया। तो समाधान यह है कि घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, जिससे पुलिस NSA लगा सके। घुसपैठ को देश की एकता खंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, जिससे पुलिस इनके ऊपर UAPA लगा सके। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, जिससे पुलिस इनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा सके। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जा सके, जिससे पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पर वेजिंग वार लगा सके।
घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित किया जाए, जिससे घुसपैठियों उनके मददगारों पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाए। अल्टीमेटली भारत में घुसपैठियों को बसाने के लिए भारत के अंदर से भी फंडिंग हो रही है, भारत के बाहर से भी फंडिंग हो रही है। जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है वो भी मदद कर रहा है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जो किराया उड़ा आता है उससे भी पैसा आ रहा है। भारत के अंदर जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है वो भी घुसपैठियों को सेटल करने में काम आ रहा है। बाहर से जो ज़कात आ रहा है वो भी घुसपैठियों को मदद करने में काम आ रहा है। और ये घुसपैठ इसलिए हो रही है, हमारा कानून सड़ा हुआ है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि चीन में अवैध घुसपैठ होती है, कभी आपने सुना नहीं होगा सिंगापुर में अवैध घुसपैठ होती है। ये सारी घुसपैठ भारत में होती है क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। आज तक किसी घुसपैठिए की ना 100% संपत्ति जब्त हुई, ना आज तक किसी घुसपैठिए और उसके मददगारों को आजीवन कारावास हुआ, ना आज तक किसी घुसपैठिए और उसके मददगार की नागरिकता खत्म हुई। तो खौफ कहाँ से पैदा होगा? जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और अगर हमने तत्काल कठोर कानून नहीं बनाया तो आने वाले टाइम में, जैसे आपने अभी बरेली में सुना है तौकीर रजा कह रहे हैं कि लोग सामूहिक धर्मांतरण कर रहे हैं, पूरे देश में घुसपैठियों, जितने घुसपैठियों ने हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवाया है वो सब कन्वर्ट करेंगे, सब इस्लाम कबूल करेंगे और पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे लोग सनातन धर्म छोड़ छोड़ के सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो ये सामूहिक धर्मांतरण हो रहा है ये हिंदू है ही नहीं है, ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, हिंदू नाम से उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिया है।